हेलो दोस्तों, लास्ट डे का आपको याद होगा मेरे जो शुरुआत के दो वीडियोस थे, जिस हम लोग ग्रामर के जिस कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें मैंने फाइनाइट वर्ब और कंजंक्शन का रिलेशन बताया था। सेंटेंस क्या होता है मैंने ये बताया था। सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे फाइनाइट वर्ब्स को पहचान के, मैंने वो बताया था। आज उसी के एक फैक्टर जो कि थोड़ी जरूरी है आपको, आपको वो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको जानना। वो जैसे आप नॉर्मल कंजंक्शन को पहचानने की कोशिश करते हो, मेरे से आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा भी था, उनके क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना है। आप बाकी के नॉर्मल कंजंक्शन, दैट होता है, बट होता है, वो आप जानते हो। उसके अलावे मैं एक कंजंक्शन की और बात कर रहा हूं, एक टाइप के कंजंक्शन की, जो कि आपको उसको उसके यूसेज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये कंजंक्शंस एक्चुअली आपको कंजंक्शन की तरह ये नहीं दिखेंगे, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो डब्ल्यू एच से बनते हैं। हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये भी कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये डब्ल्यू एच वाले कंजंक्शन कब होते हैं ये भी जान लो, क्योंकि अगर इनको कंजंक्शन के तौर पे यूज किया गया तो आप ये जानना कि उस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल होना जरूरी पड़ेगा। इस डब्ल्यू एच को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक, जब इसकी प्रॉपर्टी इंटरोगेटिव की होती है। हमारी किताबें इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जब वो इनकी प्रॉपर्टी रिलेटिव की होती है। मैं इसी को समझा रहा हूं कि ये डब्ल्यू एच के, चूंकि इनके दो फंक्शन होते हैं इसीलिए इनका एक पार्ट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर ये, अब इंटरोगेटिव अभी हम लोगों को उसको डिटेल में नहीं जाना है, आप अभी चूंकि हम लोग ग्रामर के बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो आप ये ध्यान दो कि अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हो, और इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अगर आपको समझ में, मतलब अगर ये इसके कंसेप्ट के बारे में बहुत क्लियर नहीं है तो आप किसी भी बुक में या नेट पे देखोगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है वो तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट इंटरोगेटिव का जो फर्स्ट डायरेक्ट पार्ट होता है उसका पर्पस होता है किसी सामने आदमी जो खड़ा है उससे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? मैं किसी आदमी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तुम कहां से आ रहे हो। इस पार्ट को डायरेक्ट इंटरोगेटिव कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर सीधा दिखाई पड़ता है। लास्ट में आपके नोट ऑफ इंटरोगेशन होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है और उसके पहले आप डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करते हो, वही डब्ल्यू एच जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में तुम्हारा डब्ल्यू एच एक सिंपल प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रोनाउन है। और इसीलिए यहां पे तुमको एक ही वर्ब दिखाई पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब आर कमिंग। अब एक पार्ट होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का, और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उस इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में या एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। इन दोनों पार्ट्स में अगर डब्ल्यू एच का इस्तेमाल होगा तो वो डब्ल्यू एच कंजंक्शन का भी काम करेगा, प्रोनाउन होने के साथ साथ वो कंजंक्शन का भी काम करेगा। अब ये कैरेक्टर क्या होते हैं? जब आप एक साथ दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अपने साथ यूज करो, जैसे अगर मैं लिखूं मे आई नो, वेयर आर
यू कमिंग फ्रॉम? एंड दूसरा, आई वॉन्ट टू नो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। दो सेंटेंस मैंने लिखे। अब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका पहला सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है और उसका दूसरा सेंटेंस भी इंटरोगेटिव है। ऑन द अदर हैंड, आपका ये पहला सेंटेंस आप ध्यान दो, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसके बाद एक जो सेंटेंस आया है वो इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं और इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब आप जरा समझो कि जब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होता है तो उसके पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसके बाद आप इंटरोगेटिव डालते हो। डबल इंटरोगेटिव में दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। अब रूल ये है कि आपका ये दोनों जगहों पे ये जो डब्ल्यू एच है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए आपने कभी सुना होगा ग्रामर की किताबें बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हैं कि डब्ल्यू एच के पहले दैट का इस्तेमाल नहीं होता। कारण ये है, कब दैट का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपको दो सेंटेंस लगाने हैं और ये खुद इंटरोगेटिव है, उसके खुद कंजंक्शन है, इसीलिए उसके पहले आप दैट लगा के करोगे क्या? क्यों लगाओगे? क्योंकि जब दैट लगाओगे तो दो कंजंक्शन हो जाएगा, तब तुम्हारे पास सेंटेंस में तीन वर्ब चाहिए थे, वो दैट नहीं लगता, फॉर दैट मैटर कोई कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको, आप में से कुछ लोग अगर देख रहे होंगे और उनको पहले से आइडिया होगा तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, मैंने जानबूझ के किया था कि ये आदमी गलत पढ़ा रहा है। होल्ड, मैं अभी, मेरी बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। इन दोनों सेंटेंसेज में एक और रूल है कि चाहे आपका डबल इंटरोगेटिव हो चाहे आपका इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव हो, जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो कभी इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा, कभी भी। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कभी नहीं रखा जाएगा। इसलिए इन दोनों सेंटेंसेज में आर को सब्जेक्ट के बाद रखना होगा, दोनों सेंटेंस में। आप यह ध्यान रखना कि अंत में जो नोट ऑफ इंटरोगेशन या जो पंक्चुएशन मार्क दिए जाते हैं, चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो या इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव हो, वो पहले सेंटेंस के अनुसार दिए जाते हैं। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन डालो, लेकिन अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप अपने सेंटेंस में नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं डाल के आपको फुल स्टॉप डालना होगा। अब जाके ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हुए। सो आपका रूल ये है कि आपका डब्ल्यू एच अगर एक नॉर्मल सेंटेंस में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वो सिंपल प्रोनाउन है, और अगर वो डबल इंटरोगेटिव या इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में आता है तो वो प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी है, इसीलिए आप उसके पहले कोई और कंजंक्शन नहीं लगाओगे। सो डब्ल्यू एच कंजंक्शन भी होता है, और रादर आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज कभी लिखने में बहुत ज्यादा यूज नहीं मिलते हैं। कन्वर्सेशन होगा तो आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, या जब नरेशन आप देखते हो तो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलता है आपका, आपको अधिकतर टाइम में ये ऐसे ही मिलता है। और यहां आप ध्यान रखिएगा कि ये कंजंक्शन है। अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये कि व्हाट आई टोल्ड इज करेक्ट इज राइट। यहां आप ध्यान दो, यहां व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना तो व्हाट का मीनिंग वो इंटरोगेटिव वाले पार्ट में नहीं होगा। व्हाट का मतलब इंटरोगेटिव में होता है क्या, अगर वो रिलेटिव में गया तो हिंदी से अगर जाते हो तो इसका मीनिंग होगा जो, जो मैंने कहा था वो सही है। हु का मतलब
जब नॉर्मल इंटरोगेटिव हो तो कौन होता है, इंटरोगेटिव में लगेगा कौन होता है, हु आर यू, आई वॉन्ट टू नो हु इज ही, सॉरी हु ही इज, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा था, आई वॉन्ट टू नो हु ही इज, ठीक है। लेकिन द मैन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, वो आदमी जो मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, वो सफल होता है। सो आपके जब वो रिलेटिव प्रोनाउन में जाएगा तो उसका मीनिंग बदल जाता है। और जिन्होंने भी पूछा था उनको ये पता होना चाहिए कि आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपके पास इस सेंटेंस में दो वर्ब आया हुआ है, दो वर्ब आया हुआ है, और इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। टोल्ड का चूंकि भेटू है, इसका सब्जेक्ट आई है। इज का व्हाट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो व्हाट है, आप ध्यान देना, आप हमारे यहां बहुत सारे किताबों में ये बोला जाता है कि इस इज का सब्जेक्ट व्हाट आई टोल्ड है, मान लिया, लेकिन ये ग्रामर का एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं है। ध्यान दो एक चीज और, कि अगर आप सब्जेक्ट के कंसेप्ट की बात करते हो तो सब्जेक्ट कभी एक वर्ड नहीं होता। ये बचपन में हम जो हम हमें मिला था कि राम इज प्लेइंग, राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो सकता है, पूरा का पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट हो सकता है। और उस हिसाब से अगर हम बोलें तो ये आपके इज का सब्जेक्ट, ये पूरा व्हाट आई टोल्ड है, क्योंकि आपका आपने जो इस्तेमाल किया ये इज करेक्ट, सही क्या है जो मैंने कहा था वो सही है। सो आप ये बोल सकते हो, बट अभी भी ये बहुत कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो आपका ये पार्ट में टोल्ड का ये व्हाट ऑब्जेक्ट है, जो मैंने कहा जो, जो मतलब मैटर, तो टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि व्हाट को जब तुम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो व्हाट एक्चुअली एक फ्रेज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। चाहे उस फ्रेज को यूज करो या फिर तुम उसके जगह पे व्हाट यूज करो, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सीमित, छोटा। थिंग, या आप उसमें थिंग्स भी ले सकते हो, दैट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और यहां दैट की नहीं है, जो है, क्योंकि हु विच दैट आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा, ये हु विच दैट में से दैट है। एक दैट की होता है, एक दैट वह होता है, एक दैट जो होता है। द पेन दैट आई बॉट, वो पेन जो मैंने खरीदा था, ये वो जो वाला है, उसका फुल फॉर्म ये होता है। और मैं अगर व्हाट को हटा के ये फुल फॉर्म वहां रखूं तो मैं लिखूंगा द थिंग दैट आई टोल्ड इज करेक्ट। अब जरा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, इस इज का सब्जेक्ट द थिंग है, टोल्ड का सब्जेक्ट आई है, और इस टोल्ड का ऑब्जेक्ट यहां आया हुआ है। ये यहां दैट क्यों है, टोल्ड के बाद क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब अपने एंटीसीडेंट के ठीक बगल में आता है, जिसके लिए इस्तेमाल होता है उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है, उसके ठीक बगल में आना जरूरी है। सो आपका व्हाट आई टोल्ड इज करेक्ट का एक्चुअली फुल फॉर्म ये है। हमारी किताबों में इसको नहीं बता के हमें ये बोला गया कि ये है, बट ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसका एक्चुअल पार्ट यहां है। आपका डब्ल्यू एच कंजंक्शन का काम करेगा जब वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, डबल इंटरोगेटिव
और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में हो तो डब्ल्यू एच कंजंक्शन का काम करेगा। ये आप कंजंक्शन को जब आप देखते हैं फाइनाइट वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कंजंक्शन डब्ल्यू एच को अपने दिमाग में रखिएगा। अब जरा मैंने आपके लिए सोचा कि इस सेंटेंस को मैं, ये एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इस सेंटेंस को आपसे एक बार बनवाऊं। बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वीडियो को यहीं रोक लो, अपना आंसर दे लो, अपने एक्सप्लेनेशन को देख लो, वीडियो को यहीं रोक के फिर इसके बाद अपना आंसर देने के बाद आप आगे बढ़ना और तब मेरे मेरी बात को सुनना, अच्छा रहेगा। आपको मैं एडवाइस करता हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। आप इस सेंटेंस को देखो प्लीज, अगर जिनको रोकना है वो रोक लें वीडियो को यहीं पे और तब आप अपना सॉल्व कर लीजिए, ABCDE में से आंसर दे लीजिए और तब आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। अब है क्या कि आप ये ध्यान दो इस सेंटेंस में कि यहां पर फाइनाइट वर्ब दो लगे हुए हैं, एक इज और एक विल हैव। तो इसका मतलब देखिए, आप में से अधिकतर लोगों का, जिन जिन लोगों ने बनाया होगा उनका आंसर ऑप्शन नंबर डी आया होगा। कारण वो ग्रामर से नहीं इस ऑप्शन की खूबसूरती से बना रहे हैं, ये ऑप्शन पढ़ने में खूबसूरत लग रहा है। और अभी अगर मैं देखूं तो इस सेंटेंस में मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास दो पार्ट है तो मेरे को कंजंक्शन तो लगाना पड़ेगा, दो भर्व है तो यहां पे कंजंक्शन लगा हुआ है, इसलिए मैं ये मानूंगा कि ये सही है क्योंकि हाउ डब्ल्यू एच कंजंक्शन तो होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी लूं तो आपके पास अब तीन भर्व हो जाएंगे, एक व्हाट, सॉरी एक आर, एक इज और एक विल हैव। और तीन वर्ब को जोड़ने के लिए, तीन फाइनाइट वर्ब को, तुम्हारे पास दो कंजंक्शन चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी में भी एक ही कंजंक्शन है। सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर डी कटेगा, सबसे ग्रामेटिकली गलत ये ऑप्शन था जो आपको शायद पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरा, मच के बाद आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन लगता है और यहां पे इंपैक्ट्स डाल के उसको काउंटेबल बनाया गया है, तो आप ये काट दोगे। यहां भी व्हाट के बाद एक कंजंक्शन है, यहां भी एक कंजंक्शन है। अब आपके ग्रामेटिकली तीन कंजंक्शन है, तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर ई, एक ऑप्शन नंबर ए और बी, और इसमें से उस मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला कौन सा सही पार्ट है कि आपका न्यू टैक्स कैसा इंपैक्ट देगा, कैसा मतलब प्रोसेस बताने के लिए नहीं, हाउ का इस्तेमाल कैसे करते हो आप किसी प्रोसेस को बताने के लिए, हाउ इज ही प्लेइंग किसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए या आपकी स्थिति बताने के लिए, हाउ आर यू। लेकिन यहां बता रहे हैं मेरे को रखना पड़ेगा इसका एक, हाउ द इंपैक्ट मेरे को यहां पे इस नाउन के पहले एक डिटरमाइनर चाहिए, डिटरमाइनर, और उस हिसाब से दैट लगा के तो सिंपल की हो जाएगा। इट इज टू अर्ली टू से दैट, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि द इंपैक्ट द न्यू टैक्स, द इंपैक्ट द न्यू टैक्स या व्हाट इंपैक्ट द न्यू टैक्स विल हैव, सोचिए। आपका आंसर यहां पे ए होगा। मैं क्यों इसको बता रहा था कि आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और ये डब्ल्यू एच का इस्तेमाल था। एक और मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, मेरे पास दो क्वेश्चन हैं आपके, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंजंक्शन के प्रैक्टिस के लिए हैं। अगेन आप वीडियो को रोक लो, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और अपने आंसर बना लो और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना आप। चलिए अब क्या है, जरा आप ध्यान दें, आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यू शैल बी ह्यूजली कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं। मैं ये बोलूं कि अगर आपको फाइनाइट वर्ब और कंजंक्शन का कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बच्चे की तरह है। आप ध्यान देना, आपके पास यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे कंजंक्शन लगा हुआ है,
और अगर तुम सेंटेंस को देखो तो यहां पे एक वर्ब यहां है और दूसरा वर्ब यहां है, तो इसका मतलब कि मुझे कंजंक्शन का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा क्योंकि दो वर्ब है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पे ऑलरेडी एक कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर ये आपको कंजंक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप खोजिए, आप समझिए, क्योंकि मेरे पास जब कंसेप्ट्स के बाद जब चैप्टर्स आएंगे तो मुझे ये कंजंक्शन बताने होंगे। एज ए कंजंक्शन, एज का मतलब बिकॉज होता है, और ये कंजंक्शन है या नहीं आप एज को हटा के बिकॉज डाल के देखो, आपको सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, रादर जा आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब जरा ध्यान दो कि एक कंजंक्शन यहां है, दो वर्ब्स यहां है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कंजंक्शन लगाने की जगह जरूरत नहीं है, और उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एंड ये ऑप्शन नंबर ई तीनों कैंसिल हो गया। अब बाकी बचा उसने दैट लगाया एक कंजंक्शन, तो उसने एक वर्ब भी दिया है, फिनर वर्ब भी दिया है इज, तो आपके पास अब क्या हो जाएगा कि तीन कंजंक्शन आए, तीन वर्ब्स आ गए, तो आपको दो कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक एज है और दूसरा दैट है। और अगर आप देखो तो मोस्टली अनलाइकली तो वैसे भी कटा हुआ था आपके पहले, आपने सोचा तो मोस्टली का मतलब करीब करीब होता है, ही इज मोस्टली एबसेंट, सो ये कैंसिल हो गया और कंजंक्शन के हिसाब से तीन कंजंक्शन, सॉरी तीन वर्ब्स दो कंजंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखो आप, यहां पे वही एज, इस सेंटेंस को देखो, अब इसमें आपका यहां पे एक एज कंजंक्शन लगा हुआ है, यहां पे प्रीपोजिशन है, यहां पे कंजंक्शन है, यहां पे स्टिल, तुम इसको कंजंक्शन लोगे नहीं लोगे अभी मेरे को भी देखना है, देखने का है उसको, बिकॉज कंजंक्शन है, मैं इसको मान लेता हूं ये कंजंक्शन है। तुम इसको देखो जितना बोल्ड है, जितना बोल्ड है उसके अलावे तुम इस सेंटेंस में देखो तो एक फाइनाइट भाव, दूसरा फाइनाइट भाव ऑलरेडी लगा हुआ है। अब अगर यहां पे एक और फाइनाइट भाव डाल दोगे तो देर विल बी नीड ऑफ थ्री कंज टू कंजंक्शंस, क्योंकि तीन वर्ब हो जाएंगे ना, और तुम्हारे पास यहां से लेके यहां तक बोल्ड के अलावे कहीं कोई कंजंक्शन नहीं है, तो आपको दो काम करना होगा कि यहां कंजंक्शन तो लगाना है क्योंकि दो वर्ब्स को जोड़ना है, और आपको इस बीच में वर्ब नहीं आने देना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैं डी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, और अब ए और बी में से यहां तो प्रीपोजिशन लगा दिया तो दो वर्ब जुटेगा कैसे, ये कैंसिल, और तुम्हारा आंसर कंजंक्शन एंड फाइनाइट वर्ब्स, और ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। कंजंक्शन और फाइनाइट वर्ब के कंसेप्ट से आप देखो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बिना सेंटेंस का मीनिंग निकाले। अब मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है जो मेरे दिमाग में बात आ रही है, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो, कि आपको बार बार मैं बोल रहा था कि ये फाइनाइट वर्ब है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो भी वन भी टू भी थ्री भी फोर भी फाइव, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, भी वन होता है, भी टू होता है, भी फाइव होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी थ्री, ऑक्सिलरी वर्ब भी फोर होता है, ये भी थ्री और भी फोर नहीं है, ये भी वन भी फाइव क्या है ये, या सिंपल ये ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने मेरा एक अपना कंसेप्ट है, मेरा मेरा अपना अनुभव है, कंसेप्ट नहीं है, कि मैंने बच्चों को
देखा है इज को, जैसे मैं बोलूं देयर इज अ काउ इन द फील्ड, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये किस टेंस में है, मैं हमेशा पूछता हूं, तो बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में। क्यों? इज को प्रेजेंट टेंस में लगा दें, फाइन, चलो मान लिया, मान लिया। हालांकि हर बार प्रेजेंट में नहीं लगता, लेकिन अभी मान लेते हैं। अब मैं बोलूंगा कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट के चारों में से किस में, इनडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में है ये? तो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होनी शुरू होती है, क्योंकि उनको ये बोला गया है कि प्रेजेंट डेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव। और परेशानी ये है कि हमें दो भर्व का बहुत क्लियरली यूसेज नहीं बताया गया है, ये दो भर्व के बारे में बहुत क्लियर क्लियर बात नहीं बताई गई है कि आखिर ये कैसे यूज होते हैं। अभी आपको, चूंकि आपको जब अपर लेवल पे जाना है, जब आपको मैं बोल रहा हूं कि ग्रामर के आपको पार्सिंग सीखनी है, तो बेसिक्स के बारे में तो आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा ना। और बेसिक्स ये बोलता है कि जब आप इसको, यही दो ऐसे भर्व हैं, अब इनका कोई भी फॉर्म हो, जैसे इसको टू बी का फॉर्म बोलते हैं, इसको हैज का फॉर्म बोलते हैं, इसी दो भर्व को आप कभी तो आप सेंटेंस में इसको ऑक्सिलरी की तरह यूज करते हो और कभी इसको आप प्रिंसिपल की तरह यूज करते हो, मुख्य क्रिया के तौर पे यूज करते हो, और कभी ये ऑक्सिलरी की तरह यूज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप एक एक कंसेप्ट लो, मुझे पॉलिटिकल साइंस में क्या कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है इसको समझाने के लिए। सपोज करो एक देश है, ठीक, उस देश में एक प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे यहां तो, लेकिन सारे देश में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, सारे देश में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो एक चीज क्लियर है कि उस देश में प्रेसिडेंट भी है, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं होगा, पर ऐसे बहुत कम देश हैं जहां पे प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यही चीज तुम इसको इस तरह से लो, ये तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए और ये प्रेसिडेंट हो गया। अब एक और पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट कि अगर किसी कारणवश या भगवान ना करे प्रेसिडेंट का देहांत हो जाए, तो उस बीच में क्या होता है, आप जानते हो अच्छे से कि उस इंतरिम पीरियड में जब तक प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का पूरा अधिकार मिलता है और वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। अब आप ध्यान देखो, अगर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग, तो आपके पास प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब प्रिंसिपल वर्ब के साथ ऑक्सिलरी लगता है, और वो कहां लगता है, V3 और V4 के साथ, तो इन दोनों को मिला के एक यूनिट माना जाता है। अब ये नहीं है कि इज अलग है और प्लेइंग अलग है, ये नहीं है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का जो भी स्ट्रक्चर होता है, या फिर प्रेजेंट के भी पार्ट में इंडेफिनिट का भी जो पैसिव बनता है, उसमें इसके साथ इसको मिला के ये एक यूनिट फाइनाइट वर्ब माना जाता है। इसलिए प्लीज आप इज और प्लेइंग को अलग अलग मत कीजिएगा। बट यहां पे अगर स्टेटस देखिए तो ये वाइस प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट, थोड़ा सा उसको और चेंज करते हैं, उसको मुख्यमंत्री पे ले आते हैं, ये मुख्यमंत्री और ये उप मुख्यमंत्री, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, राम हैज बिन प्लेइंग, तो अभी क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, आराम से, क्यों नहीं हो सकता? आपके यूपी में, हमारे बिहार में भी कुछ दिन पहले तक दो उप मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं,
लेकिन दो मुख्यमंत्री नहीं होता एक साथ, एक मुख्यमंत्री होगा तो दूसरा उपमुख्यमंत्री ही बनना पड़ेगा उसको, या वो अपने पद से रिजाइन करेगा तब कोई मुख्यमंत्री आएगा वहां पे। आपके पास दो उपमुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, और ये ध्यान रखिएगा कि जब इसका इस्तेमाल होता है ना ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे, तो ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, ये खाली टाइम बताते हैं, टेंस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। हमारे यहां ग्रामरियंस ने एक और गलती की है कि इसका अर्थ निकाल दिया। राम हैज बिन प्लेइंग, राम खेलता आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो मुझे देखते हैं वो टीचर्स भी हैं, मैं अगर उनको ये पूछूं कि भाई ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो अपनी जिंदगी में, सुबह से बारिश होती आ रही है, हमारी हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम यही बोलते हैं सुबह से बारिश हो रही है। ये इंग्लिश का कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में बारिश हो रही है सुबह से हो रही है, इंग्लिश में बारिश हो रही है इट इज रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन हम लोगों के यहां क्या बनता है कि उसकी भी हिंदी कर देते हैं जो सिर्फ किताबों में होता है। बच्चों को यह समझाया जाए कि आपको अगर कोई दे रहा है तो आप बनाओ, बट इसकी कोई हिंदी नहीं होती, ये कंटिन्यूअस ही है जिसमें समय लगा होता है सिंस और फॉर के साथ, या फिर टाइम का ड्यूरेशन होता है, टेंस में हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी आप आए, ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं सेंटेंस देता हूं, राम इज इल। अब आपके प्रेसिडेंट नहीं रहे तो आपका ये प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेगा, अब ये आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अगर मैं लिखूं राम हैज बिन इल, तो अब ये ध्यान रखिए मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वो जो दोनों उपमुख्यमंत्री हैं उसमें से एक को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा, और वो दायित्व बाद वाला संभालता है, पहले वाला नहीं, बाद वाला। ये बन जाएगा प्रिंसिपल और ये बन जाएगा ऑक्सिलरी। ये प्रिंसिपल वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब, यहां पे ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब थे, ये प्रिंसिपल वर्ब था, लेकिन यहां पे एक प्रिंसिपल एक ऑक्सिलरी, क्योंकि ये हट गए ना,